हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडवेक्सिस एजुकेशन। मेरा नाम जिवेश है एंड टुडे वी आर बैक विद आवर एचपी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस दैट वी हैव ब्रॉट टुडे। तो क्वेश्चन नंबर वन फॉर द डे, विच मुगल रूलर सराउंडेड द फोर्ट ऑफ नगर कोट फॉर सिक्स मंथ्स इन द लेट 14th सेंचुरी एंड इवेंचुअली फोर्स्ड इट्स रूलर टू सरेंडर। ठीक है ना, 14वीं शताब्दी के जो लेटर हाफ है उसमें किस मुगल रूलर ने, पहली चीज है यहाँ पे मुगल टर्म जो है ये गलत यूज की गई है, ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस है तो उसमें भी इसी तरह से पूछा गया था। इट वाज जस्ट ओनली रूलर, ठीक है ना, या सल्तनत रूलर्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो विच रूलर सराउंडेड द फोर्ट ऑफ नगर कोट फॉर सिक्स मंथ्स इन द लेट 14th सेंचुरी एंड इवेंचुअली फोर्स्ड इट्स रूलर टू सरेंडर, और यहाँ का जो रूलर था उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, औरंगजेब एंड फिरोज शाह तुगलक। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें क्वेश्चन को तो हियर यू विल सी अलाउद्दीन खिलजी जो है ये रूल फ्रॉम 1296 टू 1316। महमूद गजनी की बात करें तो उसका अटैक 1008-1009 10th सेंचुरी में, तो ये दोनों ऑब्वियसली नहीं है ऑप्शन। औरंगजेब आई थिंक ही रूल फ्रॉम 1658 टू 1707, ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट 1718 सेंचुरी में जाके। तो एकमात्र जो ऑप्शन हमारे पास बचता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1365 में जो है अटैक किया था त्रिगर्ता पे या कांगड़ा पे, एंड ही हैज पोस्ट द रूलर दैट इज रूपचंद, उस समय राजा था कांगड़ा का, तो रूपचंद को फोर्स किया था सरेंडर करने पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी, व्हिच इज फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच रूलर ऑफ नूरपुर वॉज कंटेम्प्ररी टू सिकंदर लोधी। ठीक है, नूरपुर का कौन सा राजा जो है सिकंदर लोधी का कंटेम्प्ररी था, तो सिकंदर लोधी ऑब्वियसली वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द रूलर ऑफ द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इज लोधी डायनेस्टी। तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है, तख्तपाल, भीलपाल, वासदेव एंड नागपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी भीलपाल इज कंटेम्प्ररी टू, वॉज कंटेम्प्ररी टू सिकंदर लोधी। तो बी ऑप्शन जो है इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु वॉज द किंग ऑफ कांगड़ा मोहम्मद बिन तुगलक ड्यूरिंग द अटैक ऑफ, जो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु वॉज द किंग ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक डायनेस्टी से जो बिलोंग करता था रूलर, तो ही बेसिकली 1337 में ही अटैक ऑन कांगड़ा पर इसलिए स्टेट। तो पूछा गया कि किसके समय में जो है उसने अटैक किया था, तो चार ऑप्शन गिवन है, जयचंद ऑब्वियसली ही वॉज रूलर ड्यूरिंग अकबर, ठीक है ना, श्रीचंद, पृथ्वीचंद, दीपचंद। दीपचंद तो बिलासपुर का राजा था, तो श्रीचंद भी इसका ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है पृथ्वीचंद, ही वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा पर इसलिए स्टेट व्हेन दिस इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक टुक प्लेस इन 1337 ऑन कांगड़ा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन 1337 एडी विच मुस्लिम रूलर कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट। ये ऑब्वियसली अगेन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन फिर से वही, ठीक है, तो 1337 में अभी हमने बात करी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ही वॉज द रूलर हु वाज कैप्चर्ड, यहाँ पे एक चीज लिखी गई है कि हियर हु वाज कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट। तो ये जो है काफी डिबेटेबल फैक्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था या नहीं किया था, बट बेसिकली ही हैज मेड एन अटैक ऑन कांगड़ा पर इसलिए स्टेट, तो दिस इज कंफर्म्ड ऑन इन 1337। तो ये चीज जो है यहाँ पे अगेन एक बार फिर से आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1300 संस्कृत बुक्स विच वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक वर कैप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देयर इज अ स्टोरी मेंशन अबाउट सम 1300 बुक्स। तो बेसिकली अभी हमने फिरोज शाह तुगलक का इन्वेजन देखा कांगड़ा पे 1365 में। So while he invaded Kangra, he went to Jwalamukhi temple. From Jwalamukhi temple, he took along 1300 जो sacred books थी, ठीक है ना, या जो religious texts थे उस समय पे जो मंदिर में रखे हुए थे, तो उनको वे अपने साथ ले गया और उनको he later them got translated into Persian, है ना? ये भी पूछ लिया जाता है कि Persian में किसने translate किया था इन 1300 books को, Persian बोला जाता था फारसी को। तो एक नाम हम पढ़ते हैं इज्जुद्दीन खालिद खानी। इज्जुद्दीन खालिद खानी वॉज द वन हु बेसिकली ट्रांसलेटेड दीज बुक्स इनटू पर्शियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज ज्वालामुखी टेम्पल से वो जो है ये बुक्स जो है लेके गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच ईयर डिड तैमूर लंग अटैक नगरकोट। ठीक है, इनमें से किस साल में जो है तैमूर ने अटैक किया था नगरकोट पे। नगरकोट ऑब्वियसली कांगड़ा प्रिंसली स्टेट या कांगड़ा को कहा जाता था, ठीक है, कांगड़ा को कहा जाता था, इवन नॉट प्रिंसली स्टेट, कांगड़ा को कहा जाता था। तो कब अटैक किया था, तो 1375 नहीं, 1398, 1401 नहीं, 1450 नहीं, तो जो बी ऑप्शन है इसका दैट इज 1398। तो इन 1398 जो है ड्यूरिंग द रूल ऑफ मेघचंद, मेघचंद जो है उस टाइम पे राजा था कहां का, ही वाज रूलिंग कांगड़ा
तो मेघचंद के समय पे जो तैमूर है उसने अटैक किया था कांगड़ा प्रिंसली स्टेट पे, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु वाज द रूलर ऑफ हिंडूर, यहां पे लिखा हुआ है दिस इज हिंडूर बेसिकली, ठीक है हिंडूर, तो हिंडूर कहा जाता था नालागढ़ को, नालागढ़ की प्रिंसली स्टेट थी, दैट यूज टू बी कॉल्ड एज हिंडूर। तो हिंडूर का कौन सा राजा था ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ तैमूरलन, ठीक है 1398 में तैमूर ने जब अटैक किया, हु वॉज द राजा ऑफ हिंडूर, तो राजा ऑफ हिंडूर जो समय पे था उनके साथ एक स्टोरी एसोसिएटेड है कि वट ही हैज डन कि ही हैज बेसिकली सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू फिरोज शाह तुगलक एंड ही हैज आस्क्ड फिरोज शाह तुगलक टू बेसिकली टू हेल्प फिरोज शाह तुगलक इन हिज इन्वेजन अगेंस्ट, सॉरी फिरोज शाह तुगलक कह रहा हूं, सॉरी दिस इज योर तैमूर, ठीक है, तो ही हैज हेल्प्ड तैमूर इन हिज इन्वेजन अगेंस्ट कांगड़ा इन 1398। तो इसके बाद जो है जो तैमूर था उसने बिना कोई नुकसान पहुंचाए हिंडूर को वो आगे बढ़ गया एंड अल्टीमेटली जो मेघचंद था कांगड़ा का राजा उस पर अटैक किया। तो ही इज बेसिकली राजा आलमचंद जो है बी ऑप्शन, तो आलमचंद ने हेल्प करी थी किसकी तैमूर की, तो बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो सही आंसर होगा। तो दिस इज एन अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हु वॉज द कंटेम्प्रेरी राजा ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन नूरपुर, ठीक है ऑफ नूरपुर यहां पे हो गया, तो दिस इज इन नूरपुर, नूरपुर में अलाउद्दीन खिलजी का जो कंटेम्प्रेरी राजा था तो कौन था वो, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से 1320 के बीच में जिसने रूल किया, ठीक है द शॉर्टेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड ये रहता है, ठीक है। तो इसका कंटेम्प्रेरी कौन था नूरपुर में, ये आपसे इसमें पूछा गया है, तो देखिए ए ऑप्शन इज जगतपाल, बी ऑप्शन इज जसपाल, सी ऑप्शन इज भीलपाल, तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि ये सिकंदर लोधी का कंटेम्प्रेरी था, एंड डी ऑप्शन इज कीरतपाल, तो जो बी ऑप्शन है जसपाल, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जसपाल वाज द रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट हु वाज कंटेम्प्रेरी टू दिस अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मेंशन ऑफ त्रिगर्ता, त्रिगर्ता का जो पहला मेंशन है वो किसमें मिलता है, तो चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, ऋग्वेदा, महाभारता, राइटिंग्स ऑफ पाणिनी एंड पुराणस, तो जो सी ऑप्शन है इसका राइटिंग्स ऑफ पाणिनी, ठीक है ना, पाणिनी ने बेसिकली आयुधजीवी संघ के रूप में मेंशन किया था द पीपल लिविंग इन द त्रिगर्ता और कांगड़ा प्रिंसली स्टेट, तो पाणिनी की राइटिंग में जो है पहला मेंशन मिलता है त्रिगर्ता का, तो ऑप्शन सी जो है पाणिनी की एक देयर इज अ वेरी फेमस बुक दैट इज अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी में ही इज मेंशन्ड त्रिगर्ता प्रिंसली स्टेट, तो सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, so the next question here, among which of the following is not a place of archaeological discoveries in Himachal Pradesh, इनमें से कहां किस एक स्थान पर जो है archaeological discovery जो है नहीं मिलती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो चार ऑप्शन यहां पे गिवन है, नॉट पूछा गया, देखिए ये चीज ध्यान देने वाली है, तो नालागढ़, धर्मपुर, सुकेत एंड कल्पा, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी विच इज धर्मपुर, तो धर्मपुर में जो है कोई भी इस तरह का कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है नहीं ढूंढे गए हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किंग सुशर्मा हु साइड्स विद कौरवास इन द बैटल ऑफ महाभारता इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कौन सी वो रूलिंग डायनेस्टी थी, बेसिकली एक राजा का नाम यहां पे मेंशन किया गया है सुशर्मा, राजा सुशर्मा चंद जो था, तो माना जाता है कि ही इज बिलीव्ड टू हैव फॉट द बैटल ऑफ महाभारता फ्रॉम कौरव साइड, कौरवों की तरफ से उसने महाभारत का युद्ध लड़ा था, तो ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ एन डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश, तो वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसको उसने फाउंड किया था, तो ऑब्वियसली आसान क्वेश्चन है आपको पता चल जाएगा, चार ऑप्शन गिवन है, गुलेर, कुलूटा, सुकेत एंड कटोच डायनेस्टी। अब देखिए यहां पे एक चीज है, तीन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके नाम लिखे हैं, चौथा जो लिखा हुआ है वो डायनेस्टी का नाम लिखा हुआ है, इट इज नॉट द प्रिंसली स्टेट, कटोच प्रिंसली स्टेट नहीं थी, कटोच रूलर्स थे जो कि रूल करते थे कांगड़ा प्रिंसली स्टेट को, या जिसको त्रिगर्ता भी कहा जाता था, कांगड़ा या त्रिगर्ता प्रिंसली स्टेट को, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी विच इज कटोच, ठीक है जी, तो कटोच ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कुलूटा इन द एंशियंट जनपदस, ठीक है, तो जो चार एंशियंट जनपद हम पढ़ते हैं, अडुम्बरास, ठीक है, कुलूटास, त्रिगर्तास एंड फोर्थ इज योर कुनिंदास, ठीक है, तो इसमें से जो कुल्लूटास थे एंशियंट जनपद था एक, इसमें से इनकी कैपिटल कौन सी थी, तो कुल्लू, नगर, सिरमौर एंड जुब्बल आर द फोर ऑप्शंस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी नगर, नगर इज द कैपिटल ऑफ एंशियंट जनपद ऑफ कुल्लूटा, कुल्लूटा वो जनपद था
बोला जाता था उस रीजन को, या बेसिकली जो अपर ब्यास वैली जिसको हम आजकल कहते हैं कुल्लू प्रेसिल स्टेट जिसको बाद में कहा गया, तो जो अपर ब्यास वैली वाला रीजन था उसमें रहने वाले लोगों को कुल्लूटास कहा जाता था, या कुल्लूटा जो जनपद था वो वहां पे सिचुएटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, भीमकोट वॉज द अदर नेम ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप लोगों को पता है, कांगड़ा जो इसका सही आंसर होगा, कांगड़ा को भीमकोट, नगरकोट, त्रिगर्त, ये सभी नामों से जाना जाता था, तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कटोच रूलर बिल्ट द कांगड़ा फोर्ट, सो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कटोच रूलर ने जो है कांगड़ा फोर्ट को बनाया था। ठीक है, नाउ कटोच डायनेस्टी अभी जस्ट हमने देखा, कटोच इज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा प्रिंसिपल स्टेट, तो इन्होंने जो है ऑप्शन ए संसारचंद, अमरचंद, श्रीचंद, सुशर्मा चंद, तो कांगड़ा फोर्ट इनमें से किसने बनाया था, तो जो फाउंडर जो माना जाता है कांगड़ा में, कांगड़ा प्रिंसिपल स्टेट का जो फाउंडर माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका सुशर्मा चंद को, तो सुशर्मा चंद ने बेसिकली जो कांगड़ा फोर्ट है, प्रेजेंट डे कांगड़ा फोर्ट, उसको बनवाया था और कांगड़ा को ही अपनी कैपिटल भी बनाया था, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो सुशर्मा चंद ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द टेरिटरी ऑफ राणा वॉज नोन एज डैश एंड ठाकुर वॉज डैश। ठीक है, जो राणाज बेसिकली क्या था, देर वर प्रिंसली स्टेट्स एंड हिल्स, ठीक है ना, जिनको राजा जो थे, तो राजा जो है रूल करता था, उसके अलावा देर वर ठाकुर इन सम टेरिटरीज विच आर बींग रूल्ड बाय ठाकुर एंड देर आर सम टेरिटरीज विच आर बींग रूल्ड बाय राणाज। तो पूछा गया जो राणाज जिन टेरिटरी को रूल करते थे या ठाकुर जिन टेरिटरी को रूल करते थे उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, तो आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए है वही इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे रहून कहा जाता था उन टेरिटरीज को या रीजन को जिनको रूल करते थे राणाज, और ठकुराइज कहा जाता था जो शिमला हिल स्टेट्स में मोस्टली हमें देखने को मिलती हैं, उन रीजन को जिनको ठाकुर रूल किया करते थे पुराने समय पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हुनाज अटैक्ड द हिल रीजंस ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग रूलर, जो हुनाज थे, ठीक है, हुनाज वाला सेंट्रल एशियन ट्राइब जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, तो इन्होंने हिल रीजंस को भी क्या किया था, इन्वेड किया था, तो पूछा गया है कि इनमें से किस रूलर के टाइम जो है ये हुआ था। तो ये चारों गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स देखिए यहाँ पे मेंशन है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, समुद्रगुप्ता इसका आंसर नहीं है, चंद्रगुप्ता द सेकंड के बाद आए थे वो, रामगुप्त आंसर नहीं है, स्कंदगुप्त जो है यहाँ पे देखिए, स्कंदगुप्त वॉज द रूलर जिसके समय पे हुनाज ने इन्वेड किया था भारत पे, या हिल रीजंस जो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट एपिग्राफी रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ पठियार एंड कनिहारा। ठीक है, जो पठियार एंड कनिहारा के जो शिला लेख हैं, तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, किस स्क्रिप्ट में वो लिखे गए हैं, तो आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी प्राकृत एंड ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो प्राकृत में वो नहीं लिखे हुए थे, एक चीज ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, ये दो ऐसी स्क्रिप्ट लिपियां थी जिनमें जो पठियार एंड कनिहारा, ये कांगड़ा में है दोनों, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, पठियार एंड कनिहारा इंस्क्रिप्शन पूछा जाता है ये कहां पे है, तो बोथ ऑफ देम आर इन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट, और इनको जो है ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग हिमालयन किंग एलाइड विद चाणक्य टू असेंड टू द थ्रोन ऑफ मगध। ठीक है ना, जो मगध था, ठीक है, तो उसकी थ्रोन को हासिल करने के लिए इनमें से किस हिमालयन किंग ने जो है चाणक्य के साथ जो है एक तरह से ही एलाइड विद चाणक्य, ठीक है, तो चाणक्य का साथ या गठबंधन किया था या उसका साथ दिया था, तो एक बार चार ऑप्शंस देख लेते हैं, सुदास, दिवोदास, पर्वतक और शांबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज पर्वतक। पर्वतक जो है एक हिमालयन किंग था, हु वाज अलाइड हिमसेल्फ विद चाणक्य टू असेंड टू द थ्रोन ऑफ मगध। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, नेम द वैदिक सेंट एसोसिएटेड विद रेणुका लेक इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो रेणुका लेक है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कह रहा हूं, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की, तो उसका नाम जो है इनमें से किस सेंट का नाम जो है रेणुका लेक के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चार ऑप्शन यहां पे गिवन है, ऑप्शन ए ऋषि जमदग्नि, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी परशुराम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। ठीक है, तो यहां पे देखिए दो ऑप्शन इसके होने चाहिए। ठीक है, यहां पर ऋषि जमदग्नि और ऋषि जमदग्नि और परशुराम का नाम जो है मेंशन है, तो ऋषि जमदग्नि जो थे, ऋषि जमदग्नि वाज हस्बैंड ऑफ रेणुका। ठीक है, तो एक तरह से वो भी है, और दूसरा परशुराम, परशुराम जो है बेसिकली ही वाज द सन ऑफ रेणुका एंड ऋषि जमदग्नि, तो अकॉर्डिंगली जो इसका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन, वैसे इसका आंसर सी दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन ऋषि जमदग्नि वाज आल्सो एसोसिएटेड विद रेणुका, तो दैट इज क्लियर, तो ऋषि जमदग्नि एंड परशुराम बोथ वर एसोसिएटेड विद रेणुका लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच रीजन ऑफ एंशियंट हिमाचल प्रदेश वॉज विजिटेड बाय चाइनीज ट्रेवलर हेनसांग।
ठीक है ना, जो चाइनीज ट्रैवलर था हेनसांग, उनमें उसने इनमें से किस रीजन में हिमाचल के जो है ट्रैवल किया था? तो हेनसांग ने हर्षवर्धन के टाइम पे 630 से 645 एडी के बीच में, 7th सेंचुरी के मिड में जो है, सेकंड क्वार्टर में जो है, ही हैज बेसिकली ट्रैवल्ड टू इंडिया, ठीक है, इन ड्यूरिंग हिज जर्नी इन इंडिया ही हैज आल्सो केम टू द हिमालयस, ठीक है। वही पूछा गया कि हिमालयस में कहां पे उसने ट्रैवल किया था इनमें से, देखिए हमीरपुर, नाहन, नगरकोट, एक यहां पे मेंशन है कुल्लूटा, तो ही हैज आल्सो ही हैज विजिटेड कुल्लूटा, ठीक है। एक यहां पे वैसे नगरकोट भी ऑप्शन है, तो ये भी जो है होना चाहिए इसका आंसर, बिकॉज ही हैज बीन टू नगरकोट, ठीक है। अगर नगरकोट आंसर है तो हमीरपुर बेसिकली जो रीजन है दैट वॉज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ त्रिगर्ता प्रिंसली स्टेट एंशियंट टाइम में, ठीक है। तो कुल्लूटा और नगरकोट जो है दोनों ऐसे रीजन थे, नगरकोट का एक राजा था दैट इज राजा यूटीटो, ठीक है। तो उसके राजा यूटीटो के वहां पे वो जो है ही रिमेंड एज अ गेस्ट फॉर 3 months, ठीक है, एंड व्हाइल ड्यूरिंग हिज रिटर्न अगेन ही हैज विजिटेड हिम। तो कुल्लूटा जो है इसका यहाँ जो आंसर दिया गया था, तो दैट वॉज कुल्लूटा, लेकिन नगरकोट एंड कुल्लूटा बोथ वर द एप्रोप्रिएट आंसर्स, तो इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें तो तोरमाना वॉज द चीफ ऑफ, ठीक है। तो ये जो है अब हिमाचल से किस तरह से इसको मैं आपको कनेक्ट करके बताऊं, ठीक है। सिंपली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी हुनास, ठीक है, जो ऑप्शन बी है हुनास। हुनास में जो चीफ्स होते थे उनको हुनास का जो एक चीफ था उनको उसको उसका जो नाम था दैट वॉज तोरमान, ठीक है। तो हुनास चीफ, हुना ट्राइब जो था, ठीक है ना, जो हुन थे, तो तोरमाना वॉज द चीफ ऑफ हुन ट्राइब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द कुलिंदस जनपद इज मेंशन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग पुराणस, जो कुलिंद जनपद है वो इनमें से किस पुराण में मेंशन है? चार ऑप्शन है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव एब्सोल्युटली, है ना, कुलिंदस का इन चारों में जो है वो मेंशन मिलता है, तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज नोन एज त्रिगर्ता इन एंशियंट टाइम, तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, उसमें नगरकोट पूछा हुआ था, नगरकोट, भीमकोट, त्रिगर्त, कांगड़ा, ये सारे जो है एक ही नाम थे, तो कांगड़ा पर स्टेट को और क्या कहा जाता था? त्रिगर्ता कहा जाता था, प्राचीन समय में जो जनपदास वाला टाइम था, जो चार एंशियंट जनपद संपड़ते हैं, तो त्रिगर्त जनपद की हम बात करते हैं, वो रेफरेंस दिया जाता है कांगड़ा प्रिंसली स्टेट से, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश कॉइन्स हैव बीन फाउंड एट, ठीक है, हिमाचल में इनमें से किस जगह पे जो है कॉइन्स जो है मिले हैं, ठीक है। तो देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, ए टप्पा मेवा, बी ज्वालामुखी, सी लचोड़ी, एंड डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, बिकॉज टप्पा मेवा इज इन हमीरपुर, ठीक है, ज्वालामुखी कांगड़ा में है, लचोड़ी एंड सरोल दो जगह हैं चंबा में जहां पे जो है कॉइन्स मिले थे, तो टप्पा मेवा में इंडो ग्रीक कॉइन्स, ज्वालामुखी में अडुमराज के कॉइन्स, तो इस तरह से ये तीनों जो प्लेसेस हैं दीज आर एसोसिएटेड विद बेसिकली जहां पे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे कॉइन्स जो हैं प्राचीन जो सिक्के हैं या जो एंशियंट कॉइन्स हैं वो जो है मिले हैं। तो ऑल ऑफ द अबव तीनों का जो चौथा आंसर होगा डी ऑप्शन, तो दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी हुनास इन्वेडेड हिमाचल, तो ये अगेन सेम क्वेश्चन जो है, स्कंद गुप्ता भी हमने बात करी थी, तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है गुप्ताज है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं किसके टाइम पे, तो स्कंद गुप्त, ठीक है, स्कंद गुप्ता के टाइम पे हुनास हैज इन्वेडेड हिमाचल, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली दे हैव इन्वेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हिल्स में भी उन्होंने क्या करा था, इन्वेड करा था, उस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को रिलेट किया गया है हिमाचल से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो दैट इज विच संघ जनपद फ्लरिश्ड इन द रीजंस ऑफ तक्षशिला, वेस्टर्न कांगड़ा, अप टू होशियारपुर, ठीक है, जो चार जनपद की हम बात करते हैं इनमें से कौन सा संघ जनपद जो है इस रीजन में फ्लरिश करता था, वेस्टर्न कांगड़ा, तक्षशिला, अप टू होशियारपुर तक, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैं आपको एक रफ मैप जो बना के दिखा देता हूं हिमाचल प्रदेश का, तो ये वाला जो रीजन था, ठीक है, तो दिस वॉज द रीजन बींग रूल्ड बाय अडुम्बराज, ठीक है, अडुम्बर इस रीजन में रहने वाले लोगों को कहा जाता था, ये वाला रीजन आ गया दिस वॉज त्रिगर्ता, ठीक है, फिर ये अपर ब्यास वैली वाला रीजन आ गया जिसको कहा गया कुल्लूटा, और चौथा जो यहां पे, ठीक है, इसको कहा गया कुनिंदास, ठीक है। तो अब इसमें जो कहा गया है तक्षशिला, तक्षशिला से लेके कहां तक, होशियारपुर तक, ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है इसकी बात करी गई है, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कांगड़ा देखिए दिस वॉज त्रिगर्ता विच इज कांगड़ा करेंटली, तो त्रिगर्ता का वेस्टर्न पार्ट जो है यही है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी अडुम्बराज, अडुम्बराज वर द पीपल लिविंग इन दिस रीजन, तक्षशिला, वेस्टर्न कांगड़ा अप टू होशियारपुर, यहीं पे इनके कॉइन्स भी मिले हैं ज्वालामुखी में, होशियारपुर में, ठीक है, तो ये जो है बी ऑप्शन इसका
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वन ऑफ द स्तूपास बिल्ट बाय अशोका इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश। इनमें से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर जो है अशोक द्वारा बनाया गया एक स्तूप जो है वो मिलता है। ठीक है, अभी तो वैनिश आउट हो चुका है ऑब्वियसली, बट इनमें से किस स्थान पर बनाया गया था, तो ये ज्यादा सही जो है इसकी क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, लाहौल स्पीति, कुल्लू वैली, कुफरी एंड बोथ है, एंड बी, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू वैली बोथ। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है दैट विल बी कुल्लू वैली। तो कुल्लू वैली में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कलथ। कलथ में अशोका द्वारा बनाया गया स्तूपा जो था दैट यूज टू बी देयर, ठीक है, विच इज नॉट करंटली देयर, इट हैज बीन वॉश्ड आउट, ठीक है, तो वैनिश्ड आउट। तो बी ऑप्शन जो है कुल्लू वैली में, ठीक है। उसके अलावा एक कलसी में जो है, कलसी विच इज इन उत्तराखंड करंटली बट हिमाचल से नजदीक है, ठीक है, तो कलसी में भी जो है एक अशोका का जो स्तूपा है वो मिलता है। ठीक है, तो कलसी इन उत्तराखंड, कुल्लू वैली में बात करें तो कलथ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 28, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीपल। जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं वो इनमें से किस समूह के लोग हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ, बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीपल। तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, कुलेरियन पीपल, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, खशाज पीपल और क्षत्रियाज, ठीक है, एंड मवानाज। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। तो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स की बात करें तो ये दोनों तो माइग्रेटेड थे, खशाज एंड मवानाज। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नहीं है इसका आंसर। जो कुलेरियन पीपल हैं देवर कंसिडर्ड एज द, जो कुलेरियन लोग हैं देवर ऑल्सो देवर कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड या दिस रीजन, हिमाचल जिसे अभी हम कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। तो दैट इज इट फॉर डे, यही हमारे पास आज के क्वेश्चन से। तो थोड़े कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।